हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारे इस वीडियो का विषय है परिकल्पना, उपकल्पना या प्राकल्पना के कार्य, महत्व एवं विशेषताएं। मैं पीयूष गुप्ता, राजकीय महाविद्यालय केकड़ी। किससे आचार्य के रूप में आज इस वीडियो को प्रस्तुत कर रहा हूं। पहले बात कर रहे हैं परिकल्पना के कार्यों के बारे में। फंक्शंस ऑफ हाइपोथेसिस की बात करते हैं। परिकल्पना को शोध कार्य के लिए शोधकर्ता के हाथ में एक ऐसा साधन माना गया है जो शोध का दिशा निर्धारक व प्रणेता है। वास्तव में परिकल्पना निम्न कार्यों को स्वयं में समाहित कर लेती है। जब हम महत्वपूर्ण कार्यों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में प्रथम औचित्यपूर्ण मार्गदर्शन या प्रॉपर गाइडेंस टू रिसर्चर। परिकल्पना का महत्वपूर्ण कार्य शोधकर्ता को उचित दिशा निर्देश उपलब्ध कराना है, जिससे कि संदिग्धता एवं भ्रम की स्थिति समाप्त हो जाए तथा सम्यक तथ्यों एवं आंकड़ों के संकलन को सही दिशा मिल जाती है, जिसकी तत्संबंधी शोध हेतु आवश्यकता होती है। किसी भी शोध कार्य को करने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूर्णतः भ्रम की स्थिति से बाहर हो जाएं और हमें क्लियर होना चाहिए कि हमें इस शोध कार्य के लिए कौन सी अध्ययन सामग्री या तथ्य या आंकड़े एकत्रित करने। परिकल्पना हमें इस संबंध में बहुत अधिक लाभकारी सिद्ध होती है। परिकल्पना एक डिटर्मिनर भी है, निर्धारक भी है हमारी अध्ययन प्रक्रिया की। परिकल्पना द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि कार्य हेतु उपयुक्त तरीका व उत्तम कार्यविधि क्या होनी चाहिए, जिससे कि अनावश्यक भटकाव ना हो और हम एक निश्चित अवधि में निश्चित संसाधनों के माध्यम से अपने कार्य को पूर्ण कर सकें। परिकल्पना तथ्यात्मक चयन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। परिकल्पना समस्या संबंधित तथ्यों का चयन सरल रूप से करने में हमें समर्थ बनाती है, क्योंकि समस्या का दायरा तय हो जाने से तत्संबंधी आंकड़ों का संग्रहण निश्चित हो जाता है। चरों का निर्धारण हो जाने से शोध को सम्यक या उचित दिशा प्राप्त हो जाती है। परिकल्पना के कार्यों में एक महत्वपूर्ण कार्य है पुनरावृत्ति संभव है कि शोध निष्कर्षों का मूल्यांकन विश्वसनीयता व वैधता की कसौटी पर कसा जाता है। यह विश्वसनीयता व वैधता बार बार मूल्यांकन उपरांत सुनिश्चित होते हैं। अतः शोध कार्य में पुनरावृत्ति संभव है, क्योंकि परिकल्पना के अभाव में संभव नहीं होती। ये हमने पहले ही पढ़ा है जब हम पिछली वीडियो में बात करते हैं कि सामाजिक अनुसंधानों में वैज्ञानिकता के जब हमने
गुणों की बात की थी, हमने वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करने की बात की थी। वैज्ञानिक पद्धति के लिए आवश्यक है कि शोध कार्य में हम जो भी निष्कर्ष निकाल लें उसका मूल्यांकन बार बार यदि हम करते हैं, उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, तो वो संभव हो। ये तभी संभव है जबकि हमारी उप परिकल्पना या उपकल्पना उचित रूप से निर्मित की गई हो, जिससे कि वो हमारे कार्य को इस हेतु तैयार कर सके और उसका मूल्यांकन किन्हीं भी परिस्थितियों में किया जा सकता है। परिकल्पना सार निकालने में सहायक होती है, यानी रिकैप्चुलेशन यदि हमें करना हो तब भी हमें परिकल्पना सहायक सिद्ध होती है। परिकल्पनाओं की स्थिति के विश्लेषण उपरांत उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति तय होती है, जो समस्या के चयन, परिकल्पना के उद्देश्य निर्धारण, उपकरण चयन, समग्र संग्रहण व विश्लेषण की वैज्ञानिक प्रक्रिया से गुजरती है। इस प्रकार प्राप्त जो तथ्यात्मक परिणाम होते हैं उनके विवेचन से हम शोध सार प्राप्त करने में सफल होते हैं, जो परिकल्पना के अभाव में संभव प्रतीत नहीं होता है। अब हम बात करते हैं परिकल्पना के महत्व की, इम्पोर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस। जो हमने अभी कार्य समझे उन्हीं के आधार पर परिकल्पना के महत्व भी सामने आते हैं। सर्वप्रथम कार्य महत्व ज्ञान को अद्यतन करने का महत्वपूर्ण उपकरण है, अर्थात परिकल्पना एक पावरफुल टूल है जिससे हम नए से नए ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और अपने ज्ञान का संचय कर सकते हैं, क्योंकि यह हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए दिशा प्रदान करती है। इसलिए हमें नवीन ज्ञान तक पहुंचना और उससे जुड़ना सरल हो जाता है। इस बात को फ्रेड एंड कार्लिंगर ने कहा है कि परिकल्पनाएं ज्ञान की समृद्धि हेतु शक्तिशाली उपकरण हैं, क्योंकि मनुष्य को अपने से बाहर आने के योग्य बनाती हैं। इसलिए हिंदी साहित्य में एक कहावत प्रचलित है कि जहाँ ना पहुँचा रवि अर्थात सूरज, जहाँ तक नहीं पहुँच सकता वहाँ भी कवि पहुँच जाता है, कि जहाँ ना पहुँचा रवि वहाँ पहुँचा कवि। ये इस बात को सिद्ध करता है कि कवि की परिकल्पनाएं अनंत हैं और हमें अनंत प्रकार की परिकल्पनाओं का निर्माण करने में सहायक सिद्ध होती हैं, जिसके आधार पर हम यदि वैज्ञानिक अध्ययन करने में सफल होते हैं तो यह उस परिकल्पना का ही कारण होता है। परिकल्पना अंतरिम स्पष्टीकरण में भी सहायक होती हैं। हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि परिकल्पना एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है, अस्थाई कथन है, जिसकी हम पुष्टि करने के लिए शोध कार्य करते हैं। अनुसंधान कार्यों की संरचना को समझना और समझाने योग्य बनाना व उसके लिए सम्यक व्याख्या में परिकल्पना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संबंध में चैपलिन की उक्ति कि परिकल्पना एक अवधारणा है जो अंतरिम स्पष्टीकरण करती है, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। परिकल्पना नवीन शोध कार्यों का निर्देशक है, अर्थात परिकल्पना हमें एक गाइड की भांति कार्य करती है, जहाँ पूर्व कल्पित और विचारपूर्ण तथ्यों को
हम शोध कार्य के द्वारा पुष्ट करने की कोशिश करते हैं तथा भविष्य के शोध हेतु परिकल्पना के माध्यम से निर्देशन प्राप्त करते हैं। गुड और स्केट्स ने कहा है, परिकल्पना एक सुनिश्चित अनुमान या निष्कर्ष होता है जिसे अवलोकित तथ्यों तथा दिशाओं को स्पष्ट करने के लिए एवं अन्वेषण को निर्देशित करने के लिए बनाया जाता है। परिकल्पना प्रायोगिक परिकल्पनाओं के सत्यापन में भी सहायक होती है। हम जब किसी भी शोध कार्य में निर्मित परिकल्पना की पुष्टि के लिए प्रयोग करते हैं तो हम उसके माध्यम से परिकल्पनाओं का सत्यापन कर सकते हैं। परिकल्पना एक महत्वपूर्ण कारक इसलिए भी है क्योंकि इससे आनुभाविक या प्रायोगिक परिकल्पना के सत्यापन में मदद मिलती है। एम वर्मा ने कहा है, सिद्धांत जब औपचारिक व स्पष्टता में किसी परीक्षणीय प्रतिगप्ति के रूप में अभिकथित करके आनुभाविक या प्रायोगिक रूप से सत्यापित किया जाता है परिकल्पना कहा जाता है। अनुसंधान परिणामोन्मुख होता है। परिणामों को उचित दिशा व विश्वसनीय बनाने में परिकल्पना के स्तर का विशिष्ट योगदान होता है। अनुसंधानकर्ता अपनी समझ, विवेक, आवश्यकता व उद्देश्य के आधार पर परिकल्पना बनाता है। लेकिन अच्छी परिकल्पना निर्माण शोध को निश्चित ही सम्यक दिशाबोध कराता है। एक अच्छी परिकल्पना में निम्न गुणों का समावेशन देखने को मिलता है। अब हम बात कर रहे हैं परिकल्पना की विशेषताओं के बारे में। एक उत्तम परिकल्पना के लिए कुछ प्रमुख विशेषताएं, एडिक्वेट सॉल्यूशन या उपयुक्त हल। यह शोध समस्या को उपयुक्त हल सुझाती है। समस्या के निदान हेतु विभिन्न उपकल्पनाएं हो सकती हैं, पर समस्या की विमाओं जो उसकी डायमेंशंस हैं उनको समझकर उसके पश्चात हम जिस परिकल्पना को अपने अध्ययन के लिए चयन करते हैं वह उत्तम हो, जिससे कि हम अधिक से अधिक उत्तम निष्कर्ष उस समस्या के संबंध में निर्मित कर सकें। परिकल्पना स्पष्ट होनी चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। स्पष्टता से यहाँ तात्पर्य कि परिकल्पना के में जिन जड़ों के बीच में संबंधों को स्पष्ट करने के लिए निर्मित किया गया है उसमें परिकल्पना सक्षम हो। बोधगम्य परिकल्पना के होने पर शोध को उपयुक्त गरिमा स्तर प्राप्त हो जाता है। परिकल्पना की स्पष्टता के बारे में हम ये भी कहना चाहते हैं कि यह दो दृष्टि से स्पष्ट होनी चाहिए, एक भाषा की दृष्टि से, दूसरी अवधारणा की दृष्टि से। परिकल्पना में प्रयुक्त शब्द और उनके कार्य तथा विचार स्पष्ट तथा भ्रमरहित होने चाहिए। जहाँ संभव हो विशिष्ट शब्दों की परिभाषा और व्याख्या भी दी जानी चाहिए। परिकल्पना में प्रयुक्त शब्द ऐसे हों कि दूसरे लोग भी उनका सही अर्थ समझ सकें, इससे परिकल्पना की स्पष्टता अनुसंधानकर्ता को सूझबूझ और अनुभव पर
निर्भर करती है। इसलिए शोधकर्ता को परिकल्पना निर्मित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। परिकल्पना सरल भी होनी चाहिए, इसमें सरलता गुण होना चाहिए। यहाँ सरलता से तात्पर्य उसमें आवश्यक रूप से अधिक कारकों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। इससे उसकी वैधता सरल और मापनीय बन जाती है, भ्रम का अंदेशा नहीं रहता और परिकल्पना सुगम बोधगम्य और स्वयं में अति विशिष्ट हो जाती है। परिकल्पना की सरलता वाली विशेषता के संबंध में विलियम ओकम का उत्तरा पीवी यंग ने से कहा है। उनका कहना है कि परिकल्पना एक ऐसा तेज धार वाला यंत्र है जो व्यर्थ की उपकल्पनाओं तथा विवेचनाओं को काट भी सकता है। इसलिए हमें परिकल्पना का निर्माण करते समय बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। परिकल्पना सत्यापनीय होना चाहिए, वेरीफाइबल होनी चाहिए। यदि परिकल्पना में यह विशेषता नहीं होगी तब हम एक मापनीय कथन का निर्माण नहीं कर पाएंगे। परिकल्पना की अन्य विशेषता स्पेसिफिसिटी या विशिष्टता या विनिर्दिष्टता होनी चाहिए। एक अच्छी उपकल्पना विशिष्ट क्षेत्र स्पष्ट निर्देशन व वर्णन में सक्षम होती है। अत्यधिक विस्तृत परिक्षेत्र वाली परिकल्पना का परीक्षण करना एक दुष्कर कार्य होता है। इसलिए हमें परिकल्पना निर्मित करते समय छोटी उपकल्पनाओं का निर्माण करना चाहिए, जिससे हमारे परिच्छेद अध्ययन का जो क्षेत्र है वो सुनिश्चित और स्पेसिफाई हो सके और हमारा अध्ययन कार्य सरलता सुगमता के साथ पूर्ण हो सके। परिकल्पना मितव्ययी भी होनी चाहिए, उसमें प्रगलिटी का भी गुण होना चाहिए। यह मितव्ययी होने से तात्पर्य कोई कंजूसी नहीं, बल्कि समय धन और श्रम की दृष्टि से वह ऐसी हो कि वो हमारे संसाधनों को ध्यान में रखते हुए कार्य करने में हमें समर्थ बना सके। इसके अभाव में हमें अध्ययन कार्य में अनेक प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए परिकल्पना लघु स्पष्ट व बोधगम्य होनी चाहिए। परिकल्पना तार्किक रूप से बोधगम्य और व्यापक होनी चाहिए। एक अच्छी परिकल्पना में यह गुण अति आवश्यक है। इसके द्वारा हम सभी महत्वपूर्ण पक्षों के समावेशन का प्रतिनिधित्व तार्किक रूप से करने में समर्थ होते हैं। परिकल्पना संगतता का गुण भी अपने में समाहित होने करने वाली होनी चाहिए। अगर परिकल्पना कंसिस्टेंसी का गुण अपने में समाहित करती है तो यह उस समय तक ज्ञात तथ्यों सिद्धांतों नियमों से संगतता रखती है और निगमनात्मक चिंतन पर
आधारित होती है। यह हमें एक स्थापित सिद्धांतों की पुष्टि अपुष्टि और संशोधन करने में समर्थ बनाती है। अच्छी परिकल्पना को बनाना श्रम साध्य है किंतु असंभव नहीं है। अतः हम यदि उक्त विशेषताओं का परिकल्पना निर्माण करते समय ध्यान रखेंगे तो हम एक उत्तम अध्ययन करने में समर्थ होंगे। धन्यवाद।